प्यारे प्यारे बच्चे भी यहां पर हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है रोमन भाई से सवाल करने के लिए? अरे वाह, आप तो फुल आज 14 अगस्त मना रहे हैं। कैसे हो आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक। क्या हाल है आप? मुझसे तो मिल लो। अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त मना रहे हो आज? तो 27 रमजान दूर है अभी। तुम्हें पता है 27 रमजान को क्या हुआ था? 27 रमजान का वैसे तो पता है ना कि शब्बे कदर मनाते हैं हम, लेकिन 27 रमजान को पाकिस्तान भी आजाद हुआ था। जैसे 14 अगस्त है ना, जो 1947 14 अगस्त है, उस दिन 27 रमजान थी। कैसी मजे की बात बताई है मैंने तुम्हें, याद रखना। अब सवाल पूछना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो? इनका नाम क्या था? रोमान रईस। रोमान रईस। अच्छा रोमान भाई, आपकी कौन सी एज थी जब आपने क्रिकेट की फील्ड में आए थे? कौन सी किस एज में आपने क्रिकेट शुरू की थी? किस एज में? वैसे तो मैं आपको थोड़ी स्टोरी बताऊं इस सवाल पे कि मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी तकरीबन जब मैं 11 साल का था, और मैं असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में एज ए समर कैंप में वहाँ में मैं गया था एज ए प्लेयर, और मैं अंडर 15 की टीम में सेलेक्ट हुआ था। लेकिन फिर मेरे स्कूल की तरफ से बड़ा प्रेशर आया कि ये पढ़ने में थोड़ा बेहतर है, तो आप इसको भी क्रिकेट में ना डालें, इसको भी मैट्रिक करने दें, उसके बाद फिर आप रईस साहब इसको क्रिकेट में डालिएगा। जी जी। तो अगर मैं उस टाइम पे शायद जब मैं 11 साल का था और मैं अंडर 15 की टीम में सेलेक्ट हुआ था, और अगर मैं उस वक्त क्रिकेट को कंटिन्यू करता तो शायद उस वक्त मैं बहुत जल्दी पाकिस्तान या हर चीज़ों को अचीव कर जाता, और मे बी ना भी करता, लेकिन कुछ डिफरेंट चीज़ होती। लेकिन उसके बाद फिर ये कि मैंने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दी, इंटर किया। उसके बाद फिर जब 2008 में मैंने अपना इंटर किया है, और उस वक्त मैं था तकरीबन 19 साल का, तो फिर मैंने दोबारा क्रिकेट स्टार्ट की, और मैंने स्टार्ट की UBL क्रिकेट अकेडमी से। उसके बाद मैंने 2 महीने वहाँ लगाए, तो हमारे जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं मंसूर अख्तर साहब, अच्छा, वो उस वक्त UBL टीम के हेड कोच थे, तो उन्होंने जब मुझे नेट पे अकेडमी में बॉलिंग करते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे पहले साइड में कर लिया कि आप अपने जो हमारी मेन टीम है उसके साथ बॉलिंग किया करें। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोगों की नज़र पड़ी, और उसके बाद लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। फिर मेरा जो क्लब है वो, जो आप सरफराज अहमद को तो जानते ही होंगे, जी जी, और वो मैं उनके क्लब में खेलता हूँ, जो उनके आजम भाई हैं भाईजान। तो वो आप इधर आइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर आइए। जी जी, आप बात कीजिए। आजम भाई जो है हमारे, उन्होंने उन पे मेरी उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, तो उन्होंने भी बड़ा भरपूर सपोर्ट किया। और फिर मैं सारी अंडर 19 क्रिकेट, मैं अपनी सारी क्लब क्रिकेट सब जोन से खेला, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद 2016 में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। और कौन आ रहा है? आ जाओ आ जाओ। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन, 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश कप। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम है, जिसमें जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।